गया था, हमारे डीजे हेडली प्लस कैंड रोड तरफ में गया था, हमारे बिलाल मस्जिद में गया था सर, सभी उर्षद में जाके आया और दो तीन मस्जिद के जिम्मेदार हमको मिल गया 15 दिन पहले। बीबीएमपी के कमिश्नर जो अनिल कुमार जी, मेरे से अपील और गुजारिश कर रही थी कि उधर की आवाम को अभी तक ये कोरोना का अवेयरनेस नहीं आया, तो आप थोड़ा मेहरबानी करके आपकी कौम के अंदर, मुसलमान कौम के अंदर थोड़ा मस्जिद की जिम्मेदार बोल के थोड़ा अवेयरनेस लेके आएंगे तो मेहरबानी करके। मेरे से अनिल कुमार बीबीएमपी कमिश्नर ने मेरे से अपील की थी, उस वजह से मैं एक 10-12 दिन वहाँ लगता शायद उधर जाके 3-4 मस्जिद को भी मुलाकात करके, जिम्मेदारों से मुलाकात करके मैंने अपील करने की, उधर आम आवाम बात करी थी कि इधर के नौजवान थोड़ा गांजे में और ये रीलिंग में इसमें सब ज़्यादातर हिस्सा ले रहे करके, मैं भी उनसे अपील किया था। मेरे नौजवानों को मैं अपील करता हूँ, माँ बाप आपको इतनी चाहत मोहब्बत सभी और 4 नौजवान उसके अंदर पूरे मेरे ख्याल से 18 से 20 साल की उम्र के हैं, अभी वो माँ बाप का क्या फायदा, आपका नहीं अपने माँ बाप का सोचो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ रेलिंग करने से आप जाएंगे नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता आपको, मगर आपके माँ बाप को, आप माँ बाप का बन जाओ। अभी एक नौजवान, एक ही बच्चा था, बताओ तो कोई नाम मेरे को बराबर से याद नहीं है, मैं तहकीकात किया तो मालूम पड़ा कि एक नौजवान बच्चे का एक बाप एक ही औलाद थी उनकी, उनकी हालत क्या होगी। तो मेरी आवाम से, मेरे नौजवानों से काजी जाना गुजारे, मेहरबानी करके ये रेलिंग करना आप छोड़ दीजिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।